फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए वेज चाउमीन घर पर कैसे बनाया जाता है उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले चाउमीन बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 1 लीटर पानी गर्म होने के लिए रखा है। उसमें थोड़ा सा नमक डाल के चाउमीन को डाल देंगे और चाउमीन को हमें लगभग 3 से 4 मिनट तक बॉयल करना है। 80% ही हम इसको बॉयल करेंगे। उसके बाद स्ट्रेनर में मैं इसको निकाल के थाली में अच्छे से फैला के रख दूँगी। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो चुका है तो उसमें मैं कूटा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालूंगी। उसके बाद कटी हुई प्याज डालूंगी। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। उसके बाद मैं कुछ सब्जियां डालूंगी, ये है शिमला मिर्च, गाजर, और इसको अच्छे से मिलाते हुए हमें सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा क्रंची ही रखेंगे सब्जी को। उसके बाद मैं इसमें चाउमीन जो कि बॉयल करके रखा था उसको डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल दिया और ये मैंने 1 पैकेट मैगी मसाला डाल दिया, डार्क सोया सॉस डाली हूँ और विनेगर थोड़ा सा, और ये है किसान का केचप और इसको भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया। और फ्लेम को हाई ही रखेंगे। फिर अच्छे से चाउमीन को मिक्स करते हुए खूब अच्छे से इसको मिला लेंगे, 8 से 10 सेकेंड पका लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी सुपर यम्मी चाउमीन रेडी हो गई है। इसको बनाने में बस 10 मिनट ही लगता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आए तो प्लीज़ नीचे लाइक का एक बटन दिया गया है उसे क्लिक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, ये देखिए कितना ही डिलीशियस देखने में ही लग रहा है, कितना सुपर यम्मी चाउमीन एकदम बन के तैयार हो चुका है हमारा।